हेलो, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फोटोशॉप एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग किस तरह से पासपोर्ट साइज फोटो बनाएंगे और उनका जो बैकग्राउंड कलर होता है उसको कैसे चेंज करेंगे। उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई आधार कार्ड हो गया या आयुष्मान कार्ड हो गया, उसको आप एक पेज में कैसे प्रिंट करेंगे। मान लीजिए आपको PDF बना के अपलोड करना है किसी पेंशन पोर्टल में, आज़ाद निवास पोर्टल में, कहीं पर भी अपलोड करना है, तो हमें आधार कार्ड को एक ही पेज में PDF बनाकर अपलोड करना होता है हाई क्वालिटी HD में, तो हम कैसे बनाएंगे इस पर हम इजिली देख लेंगे। ये सारे काम आप फोटोस पासपोर्ट साइज इस तरह ऑनलाइन वेबसाइट भी आप वहां से बना सकते हैं PDF वगैरह, लेकिन ऑनलाइन जो वेबसाइट होती है उसमें आपका डेटा रिस्क में रहता है, इन फ्यूचर आपका उसमें जो डेटा होता है रिस्क में संभावनाएं होती हैं, तो इससे अच्छा है कि आप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के मदद से अपने कंप्यूटर में उसको एडिट कर लें और डेटा अपने पास ही सुरक्षित रखें। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें हम अभी फोटोशॉप के माध्यम से बताएंगे किस तरह से यहाँ पे एडिट करना है और यहाँ पे आप एडिट भी कर पाएंगे आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, इस तरह से मैंने यहाँ पे रखा है इसको, मैं एकदम न्यू इंटरफेस यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह एकदम नया हो गया। अगर ये आपके पास फोटोशॉप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है आपके कंप्यूटर में, तो किसी भी कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दुकान पर आपको चले जाइएगा, उनके पास पेन ड्राइव में ये होता है एप्लीकेशन, तो वहाँ से आप इंस्टॉल करवा लीजिए, या आप कहीं से भी किसी के अगर सिस्टम पर है तो आप वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एकदम अच्छे से सॉफ्टवेयर पे कुछ पॉइंट्स हैं, मैं क्लियर कर देगा जिससे आप यहाँ पे कंप्लीट फोटो बना सकेंगे। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फोटोशॉप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, यहाँ पे आप टूल्स के बारे में बता दें। इस जो टूल्स हैं इसे हमें मेनू टूल, यहाँ पे जो मूविंग टूल होता है इससे हम फोटो को मूव करते हैं इधर उधर, यहाँ पे क्रॉप टूल होता है, और उसके बाद यहाँ पे पेन टूल होता है जिससे हम फोटो को यहाँ पे बैकग्राउंड को रिसाइज करते हैं, और इधर एक लेयर वाला ऑप्शन होता है पार्ट, यहाँ पे जो टूल यहाँ पे इस लेयर वाले काम है और इस टूल का काम, बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। आगे जैसे जैसे हम और भी दूसरे काम करेंगे तो उसे देखेंगे, इतना काम यहाँ इतने ही टूल से हो जाने वाला है। तो सिंपली इस पे क्लिक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और ओपन पर क्लिक करके जो भी फोटो लेना चाहते हैं आप फोटोशॉप पे ले लेंगे, या तो कहीं यहाँ पे बाहर स्पेस में डबल क्लिक कर देंगे। उसके बाद जैसे मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करके आप फोटो उठा सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप पे जो फोटो मेरी सेव है मैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे जो फोटो है मैं उसको यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे कि ये मेरी फोटो है तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इस तरह से आपके सामने फोटो ओपन हो जाएगी। अब इसको पासपोर्ट साइज में कैसे और इसका कलर भी कैसे हटाना है पूरा एकदम सिंपली 2 मिनट में आप कर लीजिए। जैसे इस तरह की फोटो आपके सामने आ जाएगी तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे एक ये क्रॉप टूल होता है तो आपको इस पर सिंपली क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे विड्थ जो होती है 3.5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे डाल देना है, फिर उसके बाद हाइट 4.5 सेंटीमीटर डाल देना, रेजोल्यूशन आपको 300 डाल देना। ये क्वालिटी होती है HD क्वालिटी, जितना आप डालेंगे उतना अच्छा, मतलब 200-300 के बीच में पासपोर्ट साइज फोटो में डाला जाता है, तो 300 मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे पिक्सल सेंटीमीटर आपको सेलेक्ट कर लेना अगर इंच में सेलेक्ट है, फिर उसके बाद इस तरह से आप अब इसको क्रॉप करना स्टार्ट करेंगे। जैसे जितना फोटो आपको चाहिए आप वहाँ से इसको क्रॉप करेंगे, जैसे यहाँ से मैं क्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कुछ कम ज़्यादा हो रहा तो आप यहाँ पे कंट्रोल अल्ट जेड प्रेस करेंगे तो ये जो आपने हो गया तो आपसे बैक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से फिर से इसको क्रॉप करेंगे। चलिए मैं यहाँ से फिर से क्रॉप करता हूँ, माउस को क्लिक करेंगे और इस तरह से आप क्रॉप करेंगे और ये जो फोटो है आपके यहाँ से इस तरह क्रॉप हो जाएगी, और इसका जो साइज़ है आप शिफ्ट के साथ एरो प्रेस करेंगे तो इधर उधर मूव हो जाएगा। आप यहाँ पे सेंटर में इस तरह से ला सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप ज़्यादा क्रॉप हो गया तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ स्क्रॉल करेंगे तो एकदम एक लेवल पे फोटो जो होगी आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। आप जो टूल होते हैं एरो अप डाउन के, आप उनके माध्यम से यहाँ पे इस तरह से इसको रिसाइज कर सकते हैं। अभी भी अपसेट नहीं हो रहा है तो आप इस पर क्लिक करके शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो सेम मार्जिन में फोटो का साइज यहाँ पे बढ़ेगा, आप जिस तरफ से भी यहाँ बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए शोल्डर दोनों सेम होने चाहिए। अब इस तरह से मेरे पासपोर्ट साइज फोटो के लिए रेडी है। अब सिंपली आपको यहाँ पे एक टिक का ऑप्शन है, इस पर टिक करना होता है। टिक करने के बाद ये फोटो आपके सामने कुछ इस तरह से दिखेगी। कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो छोटी फोटो हो जाएगी, कंट्रोल प्लस करेंगे तो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे हो चुका है। अब जैसे कि मैं आप क्या करता हूँ इसको, और यहाँ पे इसे बैकग्राउंड चेंज करना है तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जैसे ये लेयर आपको दिख रहा है इधर टूल बॉक्स में, नीचे आपको जो कलर रखना है आपको सेलेक्ट कर लें। जैसे ब्लू बैकग्राउंड रखना है तो मैं यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये कैसे यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लू आएगा ऑटोमेटिक अभी मैं क्लियर यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले इस तरह से फोटो हो जाने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पे पेन टूल के ऑप्शन पर जाना होता है। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए मेरा माउस कहाँ पर रन कर रहा है, आपको सिंपली वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे प्लस करके आपके फोटो को आपको जूम करना है।
ठीक है, अगर ये बॉक्स छोटा पड़ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐसे करके इसको बड़ा कर लेंगे और फिर कंट्रोल प्लस करके इस तरह से जूम कर लेंगे। जितना जूम करके फोटो को आप करेंगे उतना अच्छा होगा। अब इसको फोटो को अब नीचे ज़्यादा हो गया, इसको इस मिडिल में लाने के लिए स्पेस के शिफ्ट के साथ आप यहाँ पर इस तरह से मूव कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के आपको मूव करना होगा, नहीं तो मूव नहीं होगी। ठीक है, फिर आपको जैसे क्रॉप करना, तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको क्रॉप करने के लिए स्टार्ट करता हूँ। ऐसे आपको क्लिक करके पॉइंट यहाँ पर आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे टिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से पूरी फ़ोटो को जस्ट यहाँ पे मैं क्रॉप कर लेता हूँ। अगर आप नीचे करना चाहते हैं फ़ोटो को तो स्पेस दबाएंगे और यहाँ पे इस तरह से हैंड आ जाएगा, तो इस तरह से आप इसको टूल से मूव कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए, मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी सब सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस स्पेस दबा के आप यहाँ पे माउस से नीचे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे अप डाउन हो जाएगी। इस तरह से आपको सिंपली यहाँ पे जूम करके सिलेक्ट करना होता है जिससे क्लैरिटी कुछ ज़्यादा आए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे पूरा यहाँ पे एक एक बारीकी से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से पूरा आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और स्पेस के साथ आपको इसे अप डाउन करना है फ़ोटो को, तो जो आप जहाँ जैसे सिलेक्ट करना चाहते हैं उस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, पूरा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और मैं इधर साइड यहाँ पे भी इसको एकदम सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर थोड़ा छोटा करना है तो कंट्रोल माइनस करके, आप अगर साइज मेंटेन नहीं हो रहा तो आप इस तरह से करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब बंद करने के बाद अब इसको क्या करना है, अब इस पर अब ऊपर की तरफ डाउन करना है, फिर इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल माइनस के साथ थोड़ा सा साइज और इसको छोटा कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे की तरफ इसको इस तरह स्क्रॉल कर देना, फिर यहाँ पे आपको एकदम सिंपली क्लिक कर देना है, क्योंकि मुझे पूरा क्रॉप करके जितना बैकग्राउंड है उसके बाद पूरा हटाना होता है। और इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे, तो ऐसे इस तरह देखिए लाइनिंग बन जाएगी, मिल जाएगा। लेकिन अभी क्लियर सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे मेक सिलेक्शन पर क्लिक करना होता है, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग टू रहेगी पे रेडियस जो होती है। ठीक है, मैं उसके बाद यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया सिलेक्शन। अब ये जो बैकग्राउंड है देखिए, यहाँ से मैंने ब्लू कर रखा था, अब इसको क्या करना होता है, अपोजिट करना होता है। तो यहाँ पर जाएंगे आप एडिट के ऑप्शन पर, और यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, स्ट्रोक थोड़ा सा आप दे सकते हैं बॉर्डर का यहाँ पे, लेकिन मुझे अभी नहीं देना है तो यहाँ पे मुझे नहीं जाना है। फिर यहाँ पे जाना सेलेक्ट के ऑप्शन पे, और यहाँ पे एक इन्वर्स का ऑप्शन होता है, कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ इन्वर्स कर सकते हैं, जो इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल आई के साथ कर सकते हैं। अब इन्वर्स करने के बाद देखिए यहाँ पे इन्वर्स में अपोजिट में सेलेक्ट हो गया। अब हम अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे, जैसे डिलीट करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए ब्लू बैकग्राउंड में आ गया है। अब यहाँ पे हम इसको हटाने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, देखिए ये मेरा जो थी वो हट चुकी है, और यहाँ पे भी देखिए फोटो का बैकग्राउंड जो था वो ब्लू हो चुका है। अब इसके बाद अब क्या करना है, ये फोटो मेरी बन चुकी है, अब मुझे अब एक न्यू ओपन करना है, मुझे न्यू पेज A4 साइज जिसपे मुझे फोटो बनानी है। तो यहाँ पे सब जो साइज है A4 रहेगा, क्योंकि A4 में ही सिलेक्ट करते हैं, और विड्थ जो है इतना जो पड़ा है सिंपली आप डाल देंगे, रेजोल्यूशन 300 डाल देंगे, पिक्सल इंच यहाँ पे ऐसे पड़ा रहने देंगे। फिर यहाँ पे जो कलर होता है बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कलर, यहाँ पे जो CMYK कलर होता है हमको यही सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, कलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे व्हाइट रहेगा, ओके पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने इस तरह से एक पेज आ जाएगा। इसको आप उठा के इधर थोड़ा सा रख लेंगे ऐसे। इस तरह से पेज आ जाने के बाद अब हम इस फोटो को क्या करेंगे, यहाँ पे मूविंग टूल पे जाएंगे, और मूविंग टूल पे जाने के बाद इस पर हम यहाँ पे इस पर क्लिक करके अब ये जैसे लेयर यहाँ पे बन जाती है, तो आपको इसी लेयर पर क्लिक करना होगा, और जो फोटो होती है इसी को यहाँ पे उठा के इस तरह पे यहाँ पे छोड़ देना होता है। देखिए ये फोटो यहाँ पे आ चुकी है। अब इस फोटो को सेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे इस लेयर पे मुझे क्लिक करना होगा, और जिससे कि इसी लेयर पे मुझे रहना है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस पर कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर में आ जाएगा छोटा बड़ा करने के लिए। शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है और स्मॉल करना है फोटो, इस तरह से आपकी इस यहाँ पे छोटी हो जाएगी, और इसको आप यहाँ पे जितना भी चाहें आप कर सकते हैं, और फोटो को यहाँ पे एरो के माध्यम से यहाँ पे आप साइज मेंटेन भी कर सकते हैं जितना भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको टिक देना है, टिक देने के बाद फोटो को हट जाएगा। मूविंग टूल से आप इसको कॉर्नर पे उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे जितना आप रखना चाहें, जैसे कि मैं यहाँ पे ठीक है इस तरह से मैंने रख लिया। अब इसके बाद अब इस फोटो को डुप्लीकेट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस फोटो को डुप्लीकेट बनाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक अल्ट जो होती है, अल्ट वाली बटन जो होती है अल्ट दबा के रखेंगे, और यहाँ पे देखिए मेरी डबल फोटो हो गई। फिर उसके बाद एक और अल्ट दबा के रखेंगे, दूसरी फोटो बन जाएगी। फिर उसके बाद फिर अल्ट दबा के रखेंगे, इस तरह से हम यहाँ पे 6 फोटो इस बना सकते हैं इसमें।
और जो साइज होता है 6 फोटो का ही होता है, आप ज़्यादा छोटी कर देंगे तो ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक पेज में इस तरह से 6 बन गई। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे लेयर वाले बॉक्स में आ जाना है, यहाँ पे सारी जो लेयर होती है उनको लॉक कर देना है। लॉक करने से क्या होता है, आप सारी फोटो आप एक साथ कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं इसके यहाँ पे लॉक कर दिया हूँ, देखिए इस तरह से लॉक करने के बाद कंट्रोल ई कीबोर्ड से प्रेस करना होगा तो ये सारी लेयर लॉक हो गई। अब जैसे अल्ट प्रेस करेंगे तो सारी यहाँ जो फोटो होंगी वो कॉपी होंगी। देखिए अभी एक फोटो छूट गई थी, तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ और जो लेयर यहाँ पे छूट गई थी मैं उसको यहाँ पे भी उसको लॉक कर देता हूँ और कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ। देखिए मेरी सारी फोटो लॉक हो गई। अब मैं अल्ट प्रेस करता हूँ, देखिए मेरी सारी फोटो एक साथ कॉपी हो रही हैं। इस तरह से आप सारी फोटो जो हैं उनको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद देखिए सिंपली आप यहाँ पे किस तरह से एक मतलब सिंपली आप फोटोशॉप के माध्यम से एकदम फोटो साइज जो फॉर्म साइज होती है आप प्रिंट कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, इसको कट की इसकी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे नो कर देंगे। अब ये मेरा फोटो यहाँ पे बन चुका है, हम इसको आप कंट्रोल यस कीबोर्ड में प्रेस करेंगे, कंट्रोल यस से सेव कर सकते हैं, या तो यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और सेव एज के ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको नेम दे देना है, जो भी नेम से आप सेव करना चाहते हो, ASDF जो भी आप देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको JPG फॉर्मेट में चाहिए, पासपोर्ट में चाहिए, अब यहाँ जैसे जिसमें चाहिए जैसे JPG में चाहिए तो आपको JPG सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देना है। आपकी फ़ोटो जो भी होगी इसे मतलब फॉर्मेट में एकदम सेव हो जाएगी कंप्यूटर में। अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल P प्रेस करेंगे और इस तरह से प्रिंटर से आपके पास कलर प्रिंटर है तो आप प्रिंट करके दे देंगे। तो ये हो गया फोटो का मार्जिन कैसे सेटअप करना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमें आधार कार्ड प्रिंट करना होता है उसको कैसे करना होता है। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ और यहाँ पे नो पे कर देता हूँ, सेव नहीं करना। अब आधार कार्ड के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सिंपली आपको फिर से डबल टैप क्लिक करना होगा, जो फोटो आप रखे हैं आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखा हूँ तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी फोटो हैं। आप अगर नेम से सेलेक्ट कर लेते हैं तो नेम से भी मिल जाएंगी, यहाँ पे फ्रंट के नेम से मैंने सेलेक्ट कर रखा, देखिए यहाँ पे ओके एक आएगा, इस तरह से आपकी फोटो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब इसका मार्जिन कम करने देना, ज़्यादा फोटो का कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे छोटा हो जाएगा यहाँ पे, और इस तरह से आप यहाँ पे इसको भी छोटा बड़ा यहाँ पे एरो से इस तरह से स्क्रॉल करके कर सकते हैं अगर आपके पूरे स्क्रीन में आ गया, या बढ़ा भी सकते हैं इस तरह से क्लिक करके। इसके बाद इस कॉर्नर पे रख लेंगे, फिर डबल टैप फिर ओपन करेंगे, फिर डेस्कटॉप पे जाएंगे, फिर जो बैक साइड की फ़ोटो है जो भी आधार कार्ड हो या आयुष्मान हो जिसको एक पेज प्रिंट करना है हाई क्वालिटी में, अब इस तरह से ओके करके आप फोटो को यहाँ पे रख लेंगे। सेम प्रोसेस के साथ कंट्रोल माइनस के साथ इसको भी छोटा कर लेंगे और इसका भी बॉर्डर जो है उसको भी इस तरह से छोटा करके यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे अब जैसे देखिए दोनों फोटो हो चुकी हैं, अब हमें क्या करना, न्यू पेज पे जाना, फाइल पे जाके न्यू पर क्लिक करना होता है। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको A4 साइज यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा, आपको सिंपली ओके पर क्लिक करके A4 साइज ले लेना है। अब मूविंग टूल पर जाना है, हमें इस पर क्लिक करना होता है मूविंग टूल यहाँ पे, और इसको फोटो पे जाना होता है, इस फोटो को मूव करके हमें यहाँ पे छोड़ देना होता है। देखिए ये फोटो यहाँ पे आ चुकी है, अब इस फोटो का साइज थोड़ा छोटा करना है। पहले मैं इस यहाँ पे जाता हूँ इस वाले फोटो पे और इस जो फोटो है इसको भी मैं मूव करता हूँ यहाँ पे, आप इसको क्लिक करके यहाँ पे भी इस फोटो को ले आएंगे और इसको दोनों को फोटो को मूव कर लिया हूँ। अब इनको आप यहाँ पे कट कर सकते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, केवल फोटो को लाने के लिए यहाँ पे रखना पड़ता है एक पेज में। देखिए एक पेज में दोनों फोटो आ गई। अब इस जिस फोटो का मुझे यहाँ पे साइज करना, तो कंट्रोल टी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, देखिए फोटो का अब साइज यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। देखिए जितना आपको आकार में चाहिए, जितना आप फोटो साइज मतलब एक पेज में PDF बनाना चाहते हैं उतना कर लेंगे। फिर उसके बाद कंट्रोल डी करके यहाँ पे टिक मार दे देंगे तो ये हट जाएगा। फिर उसके बाद इस फोटो पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे यहाँ पे, जैसे इस फोटो में अभी किया था तो अब यहाँ पे Layer 1 आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे Layer 1 सेलेक्ट कर लेंगे तो इस फोटो में आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे छोटा करने के लिए आ जाता है, क्योंकि लेयर के हिसाब से हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इस तरह से अप डाउन की से आप इसको नीचे अप डाउन भी इस तरह से कर सकते हैं, फोटो को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इस तरह से टिक इसमें दे देंगे तो ये देखिए दोनों फोटो एक पेज में हो गई। अब कंट्रोल पी करके आप इसको एक पेज में प्रिंट करके हाई क्वालिटी में दे सकते हैं, या तो इसको सेव भी कर सकते हैं सेम उसी तरह के सेव एज पर जाके। अब यहाँ पे आप PDF साइज में या JPG साइज में आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे JPG इसमें सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको सेव कर सकते हैं। ये प्रोसेस है एक पेज में सेट करने का पासपोर्ट साइज फोटो का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फोटोशॉप से कैसे यूज करना, नॉर्मल टूल्स का यूज करके अगर आपको बेसिक से भी कुछ भी नहीं आता आप कर सकते हैं। अगर आपको आगे भी चाहिए फोटोशॉप के और भी ऑपरेशन, कोई चीज़ आपको डिजाइन करनी है बनानी है या एप्लीकेशन या कुछ भी यहाँ पे लिखना है, हर चीज़ यहाँ से हो जाती है, तो मैं आगे यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।